फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज मैं आपको आंवले के मुरब्बे की ऐसी विधि बताऊंगी जिससे जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी खाना सीख जाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो आंवले लिए हैं और इन आंवलों को रात को पानी धो के पानी में भिगो के रख दिया है और उसको अब निकाल लिया है। और आंवले ऐसे लेना चाहिए, थोड़े से ब्राउन से जैसे हों, कच्चे नहीं लेना चाहिए, उसमें कसैलापन आ जाता है। अब मैं आंवलों को फोर्क से पिक करूँगी और पिक हमें ऐसे करना है ताकि हमारे हाथ में नहीं लगे और हमारा फोर्क अंदर तक जाए। आराम से करिए पिक, ऐसे ही बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक करना। इसके लिए मैंने 1 भगोना पानी खोला लिया है। अब हम उसमें आंवले डालेंगे। इसी तरह हम अपने सारे आंवले डाल देंगे और इसके उबाल आने तक रखेंगे। अब इसमें उबाल आने को तैयार है और दोस्तों उबाल आने के भी हमें 10 मिनट तक खोलाना चाहिए। जैसे कि अब हमारे आंवले हो गए हैं, अब हम इनको पानी से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे आंवले पानी से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए 1 किलो चीनी ली है। दोस्तों अगर हमारा आंवला 1 किलो है तो हमें चीनी भी 1 किलो ही लेना चाहिए। वैसे तो आप चाशनी बनाकर भी आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी से लिया है। चीनी डाल के जब हम उसमें आंवले डालते हैं तो वो अंदर तक मेल्ट हो जाते हैं। हम इसको बहुत ही हल्की फ्लेम पे बनाएंगे ताकि हमारी चीनी नीचे से लगे नहीं और आराम से मेल्ट हो जाए। इसके लिए मैंने आधा कप पानी भी डाल दिया है ताकि हमारी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो जाए। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा चाशनी जो है वो बहुत पतली हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी चाशनी बन रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और अब हमारे आंवलों ने भी अंदर से जूस छोड़ दिया है। देखिए किस तरह से हमारे आंवलों ने जूस छोड़ा है। और हमारी चाशनी के बनने के लिए हम देखेंगे एक बर्तन में 2 बूंद टपका के कि हमारा तार बनना है या नहीं। देखिए हमारा तार बनना लगा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम 1 बाउल में आंवला डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और चाशनी नहीं डालेंगे अभी दोस्तों, क्योंकि हमारा बाउल कांच का है और चाशनी गर्म है। अब हमारी चाशनी ठंडी हो गई है, अब हम उसको ऊपर से डालेंगे। इसमें डालने के लिए दोस्तों मैंने 1 छोटी चम्मच काला नमक ले लिया है और आधा चम्मच इलायची पीस के रखी हुई है। ये हमारा छोटा काला नमक और ये इलायची पाउडर। अब हम इसको चाशनी डालेंगे ऊपर से ताकि हमारा अंदर तक मिल जाए। हमारा दोस्तों मुरब्बा अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी हम इसको 2 या 3 दिन तक के लिए ढक के रख देंगे। अब देखिए 3 दिन के बाद आज हमारा मुरब्बा कैसा बना है। एकदम सॉफ्ट, देखिए जूसी बन रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। हम इसको खोल भी सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके।